सावर सिटी गुरुग्राम में बिजली के तारों के जंजाल में लोगों की जिंदगी उलझने लगी है। दरअसल शहर के सितला कॉलोनी में हजारों परिवारों के लिए बिजली के तार दहशत बने हुए हैं। घरों की दीवारों पर से 440 वोल्ट करंट के तार गुजर रहे हैं, जो घरों की दीवारों के बीच से बिजली के तार गुजर रहे हैं। इलाके के लोगों की शिकायत के बावजूद भी बिजली विभाग इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लोगों ने समस्या के समाधान के लिए बीजेपी नेता नवीन गोयल से गुहार लगाई। बीजेपी नेता नवीन गोयल ने लोगों को 15 दिन में समस्या के समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि कॉलोनी के लोगों की समस्या जल्द पूरी की जाएगी। उन्होंने खुद शीतला कॉलोनी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। शीतला कॉलोनी में हजारों परिवारों के लिए बिजली के तार दहशत बने हुए हैं। लोगों ने बीजेपी नेता नवीन गोयल से समाधान की गुहार लगाई। हमारे संवाददाता राज वर्मा ने कॉलोनी वासियों और बीजेपी नेता नवीन गोयल से इस बारे में बातचीत की। गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी जो बेसिक सुविधाएं हैं उससे यहाँ के लोग पिछले लंबे समय से दो दो हाथ कर रहे हैं। बेसिक सुविधाएं तक लोगों को नहीं मिल रही है। इस सबके बीच एक बड़ी समस्या जो है इस कॉलोनी के लोगों के सामने है, वो है बिजली के तारों का एक जंजाल, और एक ऐसा जंजाल जिसकी वजह से हर वक्त यहाँ के लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। दरअसल मैं आपको ये दिखाऊं कि किस तरह से जो बिजली की तार है, आमतौर पर आप देखेंगे कि वो एक खंभे से होकर दूसरे खंभे तक जाती है, लेकिन यहाँ पर अलग ही नजारा है कि किस तरह से बिजली विभाग ने असंवेदनशीलता दिखाई है कि जो बिजली की तारें हैं दो घरों के बीच की दीवारों में से होते हुए करीब करीब इस पूरे इलाके की 6 गलियों तक फैली हुई है, और जिसकी वजह से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लगातार कॉलोनी के लोग जो है शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये जो दिक्कत है आपके यहाँ, कब से ये दिक्कत है और किस लिए है? ये जो बिजली की तारे आ रही है, क्योंकि आमतौर पर खंबे से खंबे तक तारे होती है, कि क्या दिक्कत है कि खंबे जो है वो खाली है और बिजली की तारे घरों के बीच में से आ रही है? ये बिजली बोर्ड की लापरवाही है। कई दफा इसके खिलाफ हमने कंप्लेंट भी दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बिजली बोर्ड को, SC को, एक्शन को, विधायक जी को, हर जगह हम कंप्लेंट दे चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कई गलियों से ऊपर से, घरों के ऊपर से गुजर रही है तारे। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए आज हमने भाई साहब से रिक्वेस्ट किए, नवीन भाई साहब से, और यहाँ आए हैं। हमें आशा है कि हमारे को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएंगे। हमारे साथ नवीन गोयल भी हैं, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। नवीन जी, जिस तरह से दिक्कत हो रही है, लोगों से भी आप मिले, क्या समाधान इसका निकल सकता है? क्योंकि एक कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस बात में कोई दोराई नहीं है कि जिससे आपसे गुड़गांव का विस्तार हुआ, लेकिन पिछली सरकारों ने कहीं भी बिना प्लानिंग के सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया और समस्याएं बढ़ती चली गई। जिस कॉलोनी में हम खड़े हैं, इस एक के घर में कई कई लोग रहते हैं। मैं तो इस बात को देख करके बड़ा हैरान हूँ कि इतनी बड़ी कमी कैसे हो सकती है। देखिए, पीछे क्या कारण रहा है उस पर हम ना काम करके, ना बात करके, हम अपने काम की बात करते हैं, और अपने अधिकारियों से, हम आला अधिकारियों से मिल करके, हमारे एक्शन साहब से, SC साहब से मिल करके, तुरंत जल्दी से जल्दी इस समस्या को दूर करने के लिए हम पत्र भी लिखेंगे, जाके मिले भी गए, और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर इस समस्याओं को मिल करके, क्योंकि हमारी सरकार वचनबद्ध है आम आदमी को सारी तरीके की बिजली, पानी, सीवर, जो भी हम समस्याओं के लिए कहीं से भी कॉल आती है, तो कोशिश करते हैं कि उस पर काम करें, और इस काम पे जल्दी जल्दी संज्ञान लेते हुए मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते से 10 दिन में इस समस्या को आपके माध्यम से भी आप थोड़ा एक जागृति फैलाने का काम करते हैं, और ये सब जेन्युइन समस्या है, यहाँ के लोग सारे साथ खड़े हैं, तो इस समस्या को